गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोग अपना अटेंडेंस बनाएंगे, है ना। अटेंडेंस बनाना आपका बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, और आपने देख लिया कि ऑनलाइन क्लासेस जब चलाया गया और स्टार्ट किया गया, और चैप्टर्स को पढ़ाने के बाद सिलेबस को ऑनलाइन कंप्लीट भी करवाया गया, और स्कूल के द्वारा आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी जो है लिया जा रहा है। आप लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है और भी कुछ क्लासेस के एग्ज़ाम लिए जा रहा है, तो आपको ऑनलाइन क्लास हर हाल में करना चाहिए, है ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपने देखा किस तरह आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम भी जो है ऑनलाइन ही लिया जा रहा है। कुछ क्लासेस के समाप्त हो गए हैं, कुछ क्लासेस के चल रहा है, तो ऑनलाइन पढ़ाई करके ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्लास को अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप एग्ज़ाम किस तरह दे पाएंगे। आगे भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन बने, है ना, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो स्थिति बनी हुई है कोविड-19 का, जो फैलाव है पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है पता नहीं अगले कई महीनों तक जो है इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस ही चलाने पड़ेंगे हमारे स्कूल को। तो इसके लिए आपका जो है प्रेजेंट होना इस ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ही ज़रूरी है। इसको नज़रअंदाज ना करें और क्लास को ज़रूर अटेंड करें, और अटेंडेंस अपना ज़रूर बनाएं, है। और आप अगर क्लास को करते हैं तो आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से आपने देख लिया होगा, एक्सपीरियंस कर लिया होगा, है ना। जिन बच्चों ने क्लास ढंग से किया होगा और उन्होंने अच्छे से लिखा होगा, है ना, और जिन्होंने नहीं किया होगा और सीधे एग्ज़ाम में बैठे होंगे, शायद वो नहीं कर पाए होंगे अच्छे ढंग से, है ना। तो आप ऑनलाइन क्लास को कीजिए और ज़रूर कीजिए, सीरियसली इसको लीजिए, इसको हल्के में ना लें, है ना। बाद में स्कूल खुलेगा तो हम कवर कर लेंगे, तो इस तरह की गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि स्कूल खुलने का चांसेस जो अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के मोशन के बारे में स्टार्ट किया था। और मोशन, अर्थ का जो मोशन है, मैंने आपको बताया कि टू टाइप का जो है मूवमेंट होता है अर्थ के द्वारा, एक अपने एक्सिस पे, इस ऑन एक्सिस जिसको रोटेशन कहते हैं, रोटेशन के बारे में हमने बात की, आपको बताया कि रोटेशन कैसे होता है और क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, परिणाम होते हैं रोटेशन के, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, है ना, अपने एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है और इसके इफ़ेक्ट्स, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं रोटेशन के। दिन और रात यानी अपीयरेंस ऑफ डे एंड नाइट, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सनसेट इन द वेस्ट। उसके बाद ओशन करेंट्स जो है रोटेशन की वजह से होता है, विंड का डिफ्लेक्शन भी है होता है, साथ ही साथ द फ्लैटनिंग ऑफ द अर्थ एट द पोल्स, पोल्स पे जो हम जानते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो है अर्थ फ्लैट है, वह भी रोटेशन की वजह से होता है। बल्किंग ऑफ अर्थ एट द इक्वेटर, है ना, दिस आर happens, है ना, ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। डे एंड नाइट के बारे में मैंने आपको समझाया, बताया कि कैसे दिन और रात कैसे होते हैं, है ना। मैंने आपको बताया कि जो अर्थ जब रोटेट करता है अपने एक्सिस पे मूवमेंट करता है, तो जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ता है, सन के सामने, उस हिस्से में दिन होता है और अदर पार्ट में, अदर हिस्से में रात होती है, ठीक है। फिर रोटेट करके, है ना, जब फिर अर्थ रोटेट करता है और जो दूसरा हिस्सा जो है जहाँ अंधेरा था उस हिस्से में सूर्य के सामने आता है, वो हिस्सा फिर दिन होता है और दूसरे हिस्से में रात, इस तरह से जो है क्रिया चलती आ रही है। तो 24 घंटे का दिन और रात होता है, ठीक है लोग। उसके बाद मैंने आपको डॉन और डस्क के बारे में बताया था, डॉन और डस्क के बारे में पहले से आप जानते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी है आपको। और कल मैंने फिर से एक बार आपको बताया कि डॉन किसको कहते हैं, पार्ट ऑफ द डे व्हेन द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट बट इट इज नॉट एट विजिबल। और डस्क के बारे में बताया था, जिसको ट्विलाइट भी कहा जाता है, इज टुवर्ड्स द इवनिंग व्हेन द सन सेट्स
इन द वेस्ट एंड इज नॉट विजिबल डस्ट इन द वेस्ट एंड इज नॉट विजिबल बट लाइट हैज नॉट इट फेडेड कम्प्लीटली, है ना। धुंध जो होती है शाम की उसको हम लोग डस्ट कहते हैं, और सुबह की जो सूर्योदय से पहले का जो समय होता है हल्की सी धुंध होती है उस समय भी, है ना, सूरज की रोशनी नहीं आती है, यानी सनराइज नहीं हो पाता होने वाला होता है, ऐसे समय को डाउन कहा जाता है। ठीक है, तो डाउन और डस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। अपने अर्थ एक्सिस पे जो है, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे 66.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, और अपने ऑर्बिटल प्लेन पे 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया। एग्जिट टाइम की अगर बात करें, मैंने कहा कि 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर अपने एक्सिस पर जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है, यानी वन रोटेशन जो है उसका कंप्लीट होता है, ये राउंड में था। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 23 hours 56 minutes and 4.091 seconds लगता है, है ना, लेकिन इसको राउंड ऑफ करके राउंडेड ऑफ में इसको हम 24 hours कहते हैं। ठीक है, 24 घंटे में कहते हैं कि 24 घंटे में अर्थ जो है अपने एक्सिस पे एक बार घूम जाती है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आई होप। ठीक है, तो हम लोगों ने जो दो मूवमेंट के बारे में कर रहे हैं, मोशन के बारे में कर रहे हैं, मोशंस ऑफ द अर्थ, है ना, मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में कर रहे हैं, तो पहला मोशन आपने पढ़ा रोटेशन। ठीक है, दूसरा जो आपका है सेकंड वो होगा रिवोल्यूशन है। रिवोल्यूशन क्या है? द अदर मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अराउंड द सन इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन, है ना। जो दूसरा मूवमेंट है जिसको रिवोल्यूशन कहते हैं, ये मूवमेंट जो है अर्थ का वो सूर्य के चारों ओर होता है। ठीक है, अपने एक ऑर्बिट पे, है ना, अपने ऑर्बिट पे जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और यह एक चक्कर लगाने में इसको 365 days यानी एक वर्ष और 6 घंटे का लगभग समय लगता है। ठीक है, अपने ऑर्बिट पे जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूव करती है, है ना, उसका जो ऑर्बिट होता है इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ अबाउट 1 lakh km/h, स्पीड क्या होती है, गति क्या होती है रिवोल्यूशन की, 1 lakh km/h। ठीक है, दिस इज नोन एज रिवोल्यूशन, इसको हम लोग रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट with a speed of about 1 lakh km, this is known as revolution. The earth revolves around the sun is an anti-clockwise direction. जो motion होता है पृथ्वी का, अर्थ का जो motion होता है वो anti-clockwise direction में होता है, है ना, anti-clockwise, है ना, पहले भी मैंने आपको समझाया होगा, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ anti-clockwise। अब जैसे घड़ी होती है आपके घर में, घड़ी है, है ना, तो घड़ी कैसे चलती है इस तरह से, है ना, ये इस तरह से घड़ी की सुई जो है इस तरह से चलती है, इस तरह से ऐसे करके ऐसे, और फिर ये मूवमेंट है। ठीक है, दिस इज नोन एज क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज हो गया है, और ये जो है बिल्कुल विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से, और ये जो है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मूवमेंट होता है बिल्कुल घड़ी के विपरीत दिशा में, जिसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलोंग ए फिक्स्ड ऑर्बिट। इसका फिक्स्ड ऑर्बिट यानी पाथ जो होता है जिस पे यह जिस पे इसकी मूवमेंट होती है, है ना, और यह एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 days and 6 hours जो है का समय लेता है। ठीक है, 365 days एज ए सिंगल ईयर, जिसको हम लोग
एक कैलेंडर वर्ष कहते हैं, कैलेंडर ईयर कहते हैं 365 डेज को, है ना, एंड द क्वार्टर डेज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। और वो जो 6 आवर्स जो है, 6 घंटे, मैंने आपको बताया कि एक पूरा सन का पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को 300 यानी अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते, है ना, यानी क्वार्टर डे हो गया, 24 घंटे का एक दिन होता है, यानी 6 आवर्स, 6 इंटू, है ना, 6/24 आप करोगे, है ना, 1/4 डे हो जाएगा ये आपका। तो क्वार्टर डे जो हुआ वो एक एक्स्ट्रा समय लेता है 6 घंटे, और आफ्टर 4 इयर्स जो है यह ये एक्स्ट्रा जो है ये क्वार्टर डे यानी 6 आवर्स जो है अगले 4 साल के बाद जो है पूरा एक दिन बन जाता है, और वह एक दिन जो है वो फरवरी में जाके जुट जाता है, फरवरी में ऐड हो जाता है, तभी हम लोग जानते हैं कि लीप ईयर होता है, और उस लीप ईयर में नॉर्मल जनरली फरवरी जो है वो 28 डेज का होता है, हम सभी जानते हैं इस बात को, और जब लीप ईयर होता है हर चौथे साल में तो फरवरी जो है 29 डेज का हो जाता है, है ना, यही वजह है ना, यही वजह है कि फरवरी जो है वो 29 डेज का होता है, और इसको हम लोग लीप ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कैलेंडर ईयर जो है 365 के बदले 366 डेज का हो जाता है, एक साल 361 ईयर जो है, वन डे जो है वो बढ़ जाता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं। तो यह 6 घंटे जो है, 6 आवर्स जो है, 4 ईयर्स के बाद में पूरा एक दिन बनता है, वही एक दिन जो है फरवरी में एंड होता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। तो रिवोल्यूशन द मूवमेंट अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट, जिसको हम लोग पाथ भी कहते हैं, है ना, ठीक है, अपने ऑर्बिट पे सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर का टाइम लगता है। वो 6 आवर्स जो है आफ्टर 4 इयर्स जो है वो 24 आवर्स हो जाता है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, और उसी उस एक दिन को वह एक दिन जो है फरवरी में ऐड हो जाता है, और फरवरी जो है वो 29 डेज का होता है, और ईयर जो है 366 डेज का हो जाता है, जिसको हम लोग लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट्स ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या है, प्रभाव क्या है ना। द इफेक्ट्स ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन आर, सबसे पहला वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, दिन और रात के जो की जो लंबाई होती है यानी जो ड्यूरेशन होता है उसमें चेंजिंग होती है, वेरिएशन होता है ना। चूंकि हम जानते हैं कि 24 आवर्स यानी 24 घंटे का एक दिन और रात होता है, तो क्या 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं? नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ये वेरिएशन जो है होता है ना, कभी दिन बड़ा और रात छोटी, कभी रात बड़ी और दिन छोटा, ठीक है, ये इफेक्ट है रिवोल्यूशन का। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स, उसके बाद सोल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या है सोल्स्टिस और क्या है इक्विनॉक्स। उसके बाद वर्टिकल एंड स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, और इन सब में महत्वपूर्ण जो है सीजन्स, ऋतुएं बदलती हैं, जानते हैं एक जैसा सीजन नहीं रहता है, सीजन्स चेंज होते हैं, बदलते हैं, गर्मी सर्दी, गर्मी बरसात सर्दी, है ना, समर सीजन, रेनी सीजन, विंटर सीजन, ये जो है रिवोल्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात कर रहे थे वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, दिन और रात के लेंथ में जो है या ड्यूरेशन में जो है वो वेरिएशन होता है, अलग अलग होते हैं, बिल्कुल बराबर नहीं होते हैं, है ना। ड्यूरिंग समर, गर्मी के समय क्या होता है, हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं गर्मी में, दिन जो है वो बड़ा होता है ना, और रातें छोटी होती हैं समर सीजन में। फिर जो है विंटर सीजन में जाके इसकी अपोजिट हो जाता है, जो ड्यूरेशन है दिन का वो कम हो जाता है,
विंटर सीजन में और रात का ड्यूरेशन जो है टाइम वो बढ़ जाता है, यानी रातें लंबी हो जाती है और दिन छोटा हो जाता है। किस सीजन में? विंटर सीजन में, ठीक है। दिस वेरिएशन अकर्स बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन विथ इट्स एक्सिस ऑलवेज टिल्टेड एक्सिस। एज वी नो, वी रेड अबाउट दिस कि अर्थ जो है झुकी हुई है 66.5 डिग्री एंगल बना के, ठीक है। तो ये वेरिएशन जो है इसी की वजह से होता है दिन और रात के समय में। वेन द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, नॉर्थ पोल साउथ पोल जानते हैं आप, इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन द साउथ पोल इज टर्न्ड अवे फ्रॉम इट। अब एक पोल की तरफ जो है इंक्लाइंड करेगा, दूसरे पोल से दूर चला जाएगा, है ना, टर्न अवे फ्रॉम इट ड्यू टू द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। वह जो अर्थ का जो झुकाव है उसके एक्सिस का, उसकी वजह से यह होता है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम ऑल रीजन्स लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हैव लॉन्गर डेज। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डेज क्या होता है? लॉन्गर होता है, दिन जो है लंबा होता है एंड शॉर्टर नाइट्स। व्हाइल द प्लेसेस, अब इसके ठीक विपरीत, इन द सदर्न हेमिस्फेयर शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स, ठीक इसके अपोजिट है ना। सदर्न हेमिस्फेयर में दिन छोटे होते हैं और रातें जो है वो लंबी होती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज कंटिन्यूअस डेलाइट एट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल हैज 6 months ऑफ नाइट, ठीक है। और पोल पे जो है, ध्रुव पे जो है, ड्यूरेशन जो है 6 months का डे एंड नाइट का ड्यूरेशन होता है, ठीक है। 6 months later, the position changed due to the earth revolution. Now, due to the tilt in the axis, the opposite happens. The north pole experiences darkness. अब एक पोल पे जो है डेलाइट होगा, दूसरे पे डार्कनेस, फिर जो है आफ्टर 6 months इसके अपोजिट ठीक हो जाएगा, इसके विपरीत होगा। द नॉर्थ पोल एक्सपीरियंस डार्कनेस एंड द साउथ पोल हैज ए डेलाइट फॉर 6 months, 6 महीने का दिन। एक पोल पे 6 महीने का दिन है तो दूसरे पोल पे 6 months तक जो है नाइट है, फिर इसके विपरीत दूसरे पोल पे जहाँ दिन है वहाँ फिर रात 6 महीने के लिए, है ना, जहाँ रात है वहाँ दिन, तो ये परिवर्तन होते रहते हैं, ओके। सीजन्स की बात करें तो ईयर इज डिवाइडेड इनटू 4 seasons, समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम, है ना, समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स अकर ड्यू टू 2 reasons, द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ पहला एंड द इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एज ए फिक्स एंगल। इंक्लाइनेशन पहला, तो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से, या दूसरा जो इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस है, जो अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है एट ए फिक्स्ड एंगल 66.5 है ना डिग्री। द सीजन्स आर मार्क्ड बाय ए चेंज इन टेम्परेचर एंड इन द ड्यूरेशन ऑफ डे। सीजन जब बदलता है, टेम्परेचर का बदलाव होता है, टेम्परेचर में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, या तो ज्यादा वृद्धि होगी या कमी होगी तापमान में, है ना, और ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स में भी परिवर्तन होता है। दिन और रात की जो अवधि होती है उसमें भी बदलाव आते हैं, परिवर्तन होता है। एज वी नो द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस द अपोजिट टाइप्स ऑफ सीजन्स। दोनों नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल विपरीत जो है सीजन्स होते हैं। एक में एक हेमिस्फीयर पे अगर गर्मी है तो दूसरे हेमिस्फीयर पे सर्दी, और दूसरे पे अगर है ना सर्दी है तो अपोजिट, उसके ठीक अपोजिट होता है, ठीक है। नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट सीजन्स होते हैं, ठीक है। समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड विंटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे समर है तो सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या होगा? विंटर होगा। अपोजिट, मैंने पहले कहा कि अपोजिट सीजन होते हैं दोनों हेमिस्फीयर पे, है ना। लुक एट द पोजिशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 जून इन द फिगर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड द सन, द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर, द सन रेज आर डायरेक्ट एंड द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट इज लॉन्गर, सो इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है जून में? गर्मी होती है। देयरफॉर ऑन 21st जून द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस द लॉन्गेस्ट डे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे जो लंबा दिन होता है वह होता है 21st जून यानी 21 जून, ठीक है। एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर इन द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंडीशन आर जस्ट अपोजिट एज इट द रीजन विच इज टर्न अवे फ्रॉम द सन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य के ठीक सामने पड़ता है हिस्सा पृथ्वी का, तो जो है जिसके फलस्वरूप जो है गर्मी होती है अत्यधिक, ठीक है। और 21 जून को जो है लॉन्गेस्ट डे होता है, सबसे लंबा दिन होता है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में इस पीरियड में जस्ट अपोजिट द रीजन विच इज टर्न अवे फ्रॉम द सन एंड रिसीव स्लैंटिंग रेज। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट रेज पड़ेगा, वर्टिकल रेज, तो उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में जो है इसके अपोजिट स्लैंटिंग रेज। हियर द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट इज शॉर्ट। अब दिन यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होगा उस समय में, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, इसके अपोजिट होगा, डे लाइट इज शॉर्ट, हेंस इट इज विंटर, ठीक है। तो दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे के विपरीत जो है सीजन होते हैं। एक में अगर एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर ज़्यादा गर्मी है तो सदर्न हेमिस्फीयर क्योंकि सन लाइट को जो है स्लैंटिंग रिसीव किया जाता है, सूर्य की रोशनी जो है कम मात्रा में आती है पड़ती है, जिस वजह से रात होती है। तो अपोजिट जो है ये चलता रहता है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में ड्यू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ओके। तो 21 जून समर सॉल्स्टिस जिसको कहते हैं सॉल्स्टिस, द सन स्टैंड स्टील, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड समर इन सदर्न हेमिस्फीयर ऑन 22 दिसंबर 22 दिसंबर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन। और 22 दिसंबर का समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सूर्य का है, सूर्य जो है से दूर हो जाता है, हेमिस्फीयर टर्न्ड अवे फ्रॉम सन, थस इट रिसीव्स स्लैंटिंग रेज। अब जो है दिसंबर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूर्य की रोशनी जो है स्लैंट पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती है, है ना। सो डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, हेंस देयर इज विंटर इन दिस पार्ट, है ना। ऑन द अदर हैंड द सदर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन, द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। Now it is summer in the southern hemisphere. On this day, the places here have the longest day. ठीक है? Longest day and the shortest night of the year. Okay? Vertical और slanting जो rays होते हैं sun, ठीक है? वर्टिकल रेज ऑफ द सन गिव मोर हीट देन स्लैंटिंग रेज। अब सीधी जो सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी तो हीट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ज़्यादा रिसीव होगा अर्थ के द्वारा वर्टिकल पड़ने पर। और स्लैंटिंग रेज में क्या होगा, हीट ऑफ अमाउंट है ना, अमाउंट ऑफ हीट जो है वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कम रिसीव होगा स्लैंटिंग रेज में, ठीक है। तो हम लोग आज क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी हम लोग सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स अभी बचा हुआ है, इक्विनॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या इक्विनॉक्स क्या होता है ना, उसमें देखेंगे हम लोग इक्विनॉक्स यानी इक्वल डे एंड नाइट जो होता है यह कब होता है, हम लोग देखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज अपने क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।